हाय गाइस, इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट इज़ यूज टू डू नथिंग, यानी कि पास स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करता है। इट कैन बी यूज इनसाइड अ लूप और इफ स्टेटमेंट। इसका इस्तेमाल आप किसी लूप के या फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर में करते हैं। टू रिप्रेजेंट नो ऑपरेशन, यानी कि कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है तो आप पास लिख देते हैं। जैसे क्विज़, आपने प्रोग्राम देखा होगा टीवी में, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता तो वो कह देता है कि पास, मतलब उसको जवाब नहीं पता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। तो वही चीज़ यहाँ पर। पास इज यूजफुल व्हेन वी नीड स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट बट वी डू नॉट वांट टू डू एनी ऑपरेशन, यानी कि सिंटैक्स वाइज वो करेक्ट होना चाहिए बट हमें कुछ भी और ऑपरेशन नहीं करना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए और अच्छे समझ में आएगा। इफ कंडीशन लिखा, यहाँ हम लोगों ने पास लिखा, एल्स लिखा और स्टेटमेंट लिखा। मैं क्या चाहता हूँ कि जब इफ़ कंडीशन हमारा ट्रू हो तो कोई भी ऑपरेशन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पास लिख दिया। सिर्फ ऑपरेशन कब होगा, जब ये फॉल्स होगा तो एल्स में आएगा और यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ ये परफॉर्म होगा। लेकिन ट्रू होने पर कोई भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पास लिख दिया हुआ है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स में आएगा और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वह एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो ओनली एल्स विल एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन फॉल्स। अब इसी चीज़ को आप लूप में भी एक बार देख लीजिए, जैसे कि व्हाइल कंडीशन लिखा, इफ कंडीशन लिखा, कंडीशन के अंदर हम लोगों ने पास लिखा हुआ, देन स्टेटमेंट, देन हमारा रेस्ट ऑफ कोड। सो चलिए इसका क्विकली हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, अगर 5 बड़ा है 2 से, जो कि है, तो पास कर दो, यानी कि कोई भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म नहीं करना है। एल्स अगर फॉल्स होगा कंडीशन तो क्या करना है, तो प्रिंट कर दो एल्स पार्ट। वैसे मैं आपको एल्स पार्ट लिख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, देन हमारा इधर प्रिंट कर देते हैं रेस्ट ऑफ द कोड। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेन कोड है वह एल्स में होगा और मुझे तभी एग्जीक्यूट करना है जब मेरा ये फॉल्स होगा। तो लेकिन ये ट्रू भी तो हो सकता है, तो ट्रू जब हो तब मैं सिंपली इसको पास कर दूंगा, लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट वो फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होना है तो उसको मैंने एल्स में लिख दिया। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। अभी चूंकि ये ट्रू है 5 > 2 तो हमें ये पास हो जाएगा और हमें कुछ भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट होकर दिखाई देगा। क्विकली इसको रन कर लेते हैं। देखिए हमें कोई भी नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पास हो गया तो क्या दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। रेस्ट ऑफ द कोड ये सिंटेक्स वाइज ठीक लिखने के लिए हम लोगों ने लिखा कि सिंटेक्स इसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है यहाँ ट्रू होने पर, तो मैंने पास लिख दिया। ये सिंटेक्स वाइज सही भी है और हमारा काम भी हो रहा है, जो कि हमें करना क्या है कि फॉल्स होने पर, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स होने पर हमें ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करवाना है। तो सेव किया, अभी फॉल्स है हमारा कंडीशन, तो ये एल्स पार्ट में चलाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा, देन हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। सो देखिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, देन हमारा रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये है पास स्टेटमेंट। अभी अगर इसको व्हाइल में देखेंगे तो व्हाइल में से कुछ खास हमें समझ में तो नहीं आएगा, बिकॉज इफ में जितना बढ़िया समझ में आया उतना बढ़िया एग्जांपल हमारे पास व्हाइल का नहीं है अभी फिलहाल के लिए। सो व्हाइल आई लेस देन इक्वल 10, इफ आई इक्वल 5 पास कर देना, यानी कि कह रहा हूँ मैं कि जब भी आई का वैल्यू 5 होगा आपको पास कर देना, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। सो प्रिंट, हालांकि ये बैड एग्जांपल है, अच्छे एग्जांपल नहीं, इसमें तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो देखने को मिलेगा बट मीनिंगफुल स्टफ नहीं है ये। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड। सो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि व्हाइल लूप चलेगा जैसे चलता है, मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, जब आई का वैल्यू 5 होगा तो ये पास कर देगा इफ़ को, सिर्फ इसको पास करेगा, ये आपका डिस्प्ले होगा, ध्यान रहे। तो इसको हम लोग रन करते हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मिलेगा, देन रेस्ट ऑफ द कोड मिलेगा। सो पास का कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसका बेहतर एग्जांपल आप इफ स्टेटमेंट में ही देखते हैं, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले अभी देखा हुआ। यहाँ अगर हम लोग एल्स लगाते हैं तो हमें बेहतर इसका एग्जाम्पल देखने को मिल सकता था। सो गाइस, ये हमारा पास स्टेटमेंट और इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है। हम लोग नहीं, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ,
3:10 हो चुका है रात के, तो हम लोग के लिए सुबह होने वाली है। तो अब इसको बंद कर देता हूँ, मेरे पास क्षमता नहीं बची है सच में जागने की और बोलने की भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी ठीक से, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।